गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरिमीटर 10 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहा कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क को बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर है। अगर वो पॉसिबल है तब आप बताइए इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो ऐसा करते हैं, 5 में हम मान लेते हैं कि लेट एक्स मीटर बी द लेंथ एंड वाई मीटर बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो हमने मान लिया कि उसका लेंथ जो है वह एक्स मीटर है और ब्रेथ जो है वह वाई मीटर है। तो अब ऐसा करते हैं, यहां पर तो एक कंडीशन दिया हुआ है, हमने एक्स और वाई दोनों मान लिया है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां पर दो कंडीशन रखा हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, कहा है कि जैसे रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे तो हो सकता है रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगल ऐसे होता है। अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी एक्स है ये वाई है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L+B। तो यहां तो 2 रखेंगे, मतलब यहां पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कह रहा है कि 80 मीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B यानी एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 2 से डिवाइड करें तो एक्स प्लस वाई ये कितना आया 40। अब यहां से वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, 40 माइनस एक्स ये हो गया नंबर 1। एंड एक कंडीशन और दिया हुआ है, कहा एरिया, एरिया इसका कितना दिया है, एरिया कह रहा है कि 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो ऐसा करते हैं, एल की जगह पर क्या रख दें, L की जगह पर रख देते हैं X और यहां पर Y, X और Y, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। तो ये हमने रख दिया, अब यहां पर putting the value of Y, इसको लेते हैं नंबर सेकेंड, Y in equation second, यही लिखा हुआ है, putting the value of y in equation second, दिख नहीं रहा होगा, बहुत नीचे लिख दिया हमने, तो आप समझ सकते हैं ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, putting the value of y, यानी y की value को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको erase कर देते हैं और यहाँ पर y की value रखते हैं। नीचे लिखा है putting the value of y in equation first, तो यहाँ ये x हो गया और इस y की जगह पर हम रखेंगे 40 माइनस x, तो ये कितना हो गया, ये तो है यहां इसे में रख रहे हैं ना, तो ये 400, तो ये हो जाएगा 400, इसको मल्टीप्लाई करें इसमें, ये तो हो गया 40x - x² - 400 = 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस का आएगा 40x और ये प्लस का बन जाएगा 400 = 0। तो देखिए कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो कंडीशन पॉसिबल का मतलब हमसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इसका रूट, अगर इसका रूट रियल रूट मिल जाएगा तो ये कंडीशन मिल जाएगी, कंडीशन पॉसिबल है। तो रियल रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, a = कितना है 1, b = -40 और c = कितना है 400,
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां b की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह पर 1 आएगा और c की जगह पर 400। तो अब एक काम करते हैं, इधर इधर आपको साफ करके इधर हम बताते हैं। तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसको इधर बताएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर जगह है, इसको लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया माइनस स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 4 16, और ये भी आएगा 16, यानी कट करके क्या हुआ 0, d इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पर आया सिंस d इज इक्वल टू 0, इसलिए यहां पर रियल रूट क्या है, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो रियल रूट हमें मिल गए। तो यहां लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहां पर रियल रूट एग्जिस्ट है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर पॉसिबल है यहां पर। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन possible to design it is possible to design rectangular park rectangular park तो पॉसिबल डिजाइन बनाना रेक्टेंगुलर पार्क की। तो अब जब रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन है तो पॉसिबल हो गया, तो आप इसका बता दीजिए क्या होगा, यानी हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालेंगे तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो एक्स है, माइनस बी की जगह पर यहां देख लीजिए बी क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस, और यहां पर प्लस और माइनस यहां पर क्या आएगा भाई, इसका रूट हम बी स्क्वायर माइनस फोर इसे निकाल कर रखते हैं, यहां पर जीरो आया, तो ये हो गया 0, 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो 1, तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया 40 अपॉन 2, यानी कितना मिला 20। तो हमें यहां पर लेंथ पता चल गई, तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों, लंबाई चौड़ाई जो है दोनों 20-20 मीटर आएगी। एक मिनट रुक जाइए, पहले देख चेक तो कर ले क्या था। एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स ये इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.4 हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं छुटी हुई है, आप देख लीजिए कई छोटे छोटे पार्ट्स में है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे कुछ दूसरा कुछ पढ़ाएंगे। थैंक यू।